टैक्स से जुड़ी परेशानियों से आपके कारोबार का पूरा विवरण तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। नजर डालते हैं बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। हिसार की अनाज मंडी में सरसों की आवक बढ़ रही है, जिससे भाव में गिरावट आने लगी है। किसी भी किसान ने सरकारी खरीद पर सरसों को नहीं बेचा है। अनाज मंडी में आने वाले हर किसान ने आढ़तियों को अपनी फसल बेची है। फसल का भाव 5,800 से लेकर 6,200 रुपए रहा। मोदी सरकार ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भारत ने पहली बार 400 अरब डॉलर के माल निर्यात का लक्ष्य हासिल किया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस बात की जानकारी देते हुए ट्वीट भी किया है। ट्वीट में पीएम मोदी ने कहा, भारत ने पहली बार 400 अरब डॉलर के माल निर्यात का लक्ष्य हासिल किया है। मैं इस सफलता के लिए अपने किसानों, बुनकरों और MSME निर्माताओं, निर्यातकों को बधाई देता हूँ। यह हमारी आत्मनिर्भर भारत यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। सोने और चांदी की कीमतों में आज फिर तेजी आई है। मजबूत हाजिर मांग के कारण सटोरियों ने ताजा सौदों की लिवाली की, जिससे वायदा कारोबार में आज सोना 104 रुपए की तेजी के साथ 51,483 रुपए प्रति 10 किलोग्राम हो गया है। उधर चांदी की कीमत वायदा कारोबार में आज 322 रुपए की तेजी के साथ 68,014 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज लगातार दूसरे दिन 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम विपणन कंपनियों की तरफ से जारी मूल्य अधिसूचना के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 97.01 रुपए प्रति लीटर हो गई है, वहीं डीजल की कीमत 88.27 रुपए हो गई है। वैश्विक बाजारों में तेजी के रुख के बीच दिल्ली तेल तिलहन बाजार में सरसों एफ सोयाबीन तेल में सुधार देखने को मिला है, जबकि सामान्य कारोबार के बीच सरसों सोयाबीन एबिनोला तेल तथा पामोलिन और मूंगफली तेल के भाव पूर्व स्तर पर बने रहे। दूसरी ओर महंगे दाम पर मांग प्रभावित होने से CPO तेल में गिरावट आई है। गेहूं की लगातार बढ़ती कीमतों के बाद गेहूं और इससे बनने वाला आटा, सूजी और मैदे की कीमतों में 3 से 4 रुपए तक की बढ़ोतरी हो गई है। व्यापारियों की माने तो अभी बाजार में गेहूं काफी कम आ रहा है। किसानों के गेहूं बाजार में काफी कम मिला है। स्टॉक वाले गेहूं बाजार में आने से इन दिनों बाजार में गेहूं की कीमत बढ़ गई है। हरियाणा सरकार ने इस बार 410 मंडियों में गेहूं की खरीद करने का निर्णय लिया है। 1 अप्रैल से प्रदेश भर में गेहूं की खरीद शुरू हो जाएगी। क्षेत्रीय कार्यालय मंडियों को रविवार के दिन भी खोलने का निर्णय लिया गया है। जिस एजेंसी को खरीद के लिए शनिवार का दिन अलॉट किया है, वही रविवार को भी गेहूं की खरीद करेगी। इसके अलावा फसल खरीद के लिए मंडियों में व्यापक व्यवस्था के लिए तैयारियां जोरों पर चल रही है। गेहूं की आने वाली फसल चौतरफा सभी राज्यों में बढ़िया बताई जा रही है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ऊंचे भाव होने से भारतीय गेहूं में लगातार खपत वाले देशों की मांग बनी हुई है, जिससे इस बार दूरगामी परिणाम भी ज्यादा मंदे वाला नहीं दिखाई दे रहा है तथा नया माल आने से पहले 50 रुपए और बढ़ गया है। वहीं यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश सहित सभी उत्पादक राज्यों में गेहूं की फसल बहुत बढ़िया बताई जा रही है। गरीब आदमी का ईंधन कहे जाने वाले मिट्टी तेल या केरोसिन के भाव बड़े शहरों में दोगुना से अधिक बढ़ चुके हैं, जबकि इसके इस्तेमाल में कमी आ रही है। केरोसिन के भाव कोलकाता और मुंबई में अप्रैल 2020 के मुकाबले इस साल फरवरी में 104 से 112 फीसदी तक बढ़ गए हैं। आवक कमजोर होने तथा तेल मिलों की मांग बढ़ने से सरसों व इसके तेल के भाव 100 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ गए हैं, जबकि मांग कमजोर होने से बिनोला तेल व रसब्रान ऑयल में नरमी का रुख बना हुआ है। तो बड़ी खबरों में आज बस इतना ही, और बड़ी अपडेट्स और खबरों के लिए आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अहमदाबाद से अगरतला तक, बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।